गाइस फाइनली चीज़ें डिसाइड हो गई हैं एंड मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दे सकता हूँ और एक बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये है कि जो व्हाट आर यू डूइंग स्काई, यू क्लीनिंग है बोल दिए, मैंने क्लीन कर दिया। तो यहाँ पहले बर्फ़ के साथ खेलती है, गीला करती है, फिर अपने ही नए कपड़े सूटकेस से निकाल के आके उसको पोंछती है। वाह बेटा वाह, एकदम मम्मी वाले काम किए तूने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज आई एम डूइंग फैंटास्टिक। आज मैं उठा बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, आई डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट हैप्पी। लेकिन लगता है ये लड़की ना ज़्यादा, अरे बेटा क्या हुआ, दिस इज नथिंग, दिस इज विटामिन। स्काई गुड। याद है मैं कंप्लेन करता था स्काई को हमेशा मम्मी चाहिए, लेकिन इस बार इस ट्रिप पे, दुबई वाले ट्रिप पे पूरा टाइम मेरे को चिपकी है, मेरे साथ रही। वो तो आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा और प्यार की निशानी भी जो है दे दी है इधर इसने। वैसे तो ये प्यार की निशानी, लेकिन इसने मुझे निशानी दे दी। तो मस्ती देखो, सेल्फ प्लेइंग चाइल्ड। लोग बोलते हैं बाल क्यों नहीं बनाते, इसके बाल बनाते हैं, खुद ही बिखाड़ देती है। इसको मज़ा आता है, ये मेरे इसी है, मैं भी ऐसे रहता था बचपन में, एकदम डिटो कॉपी है मेरी। मैं हमेशा बोलता हूँ शानिस का सिर्फ उसकी आँख नाक और ये मुंह लिप्स गया है, बाकी जो पूरा बॉडी है और जो हरकतें हैं मेरी कार्बन कॉपी है। गाइस स्काई के लिए ये बेबी है और वो बोलती है बेबी को झूला झुलाओ, स्लाइड करो। स्काई बेबी सिंचाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इसको बोलती है बेबी और यहाँ स्लाइड करा रही थी और झूला झुला रही थी, तो मैंने इसको ऐसा गिरा दिया। इसको बेबी बोलती है मैं स्लाइड कराऊंगी बेबी को, मैंने ठीक है तू करा स्लाइड, देखो अभी स्लाइड कैसे कराती है, संभाल के बेटा, वेरी स्लोली बेबी विल गेट हर्ट। या बेबी आई नो बेबी विल गेट हर्ट। ये मैंने इसको फ्लिप मारा ना, देखो बेबी इज हर्ट, गो चेक द बेबी। बेबी को सर पे मार दिया, अरे बेटा आराम से बेबी, ऐसा कोई रियल बेबी का ऐसा मत करना प्लीज़, प्यार से ट्रीट करना बेटा। अरे तो आज एग्जैक्टली 10 दिन बाद प्रॉपर वर्कआउट हो रहा है, ऐसा नहीं कि अब तो अभी दुबई में वर्कआउट नहीं हुआ था, लेकिन प्रॉपर आज फॉर्म के साथ, वेट के साथ वर्कआउट हो रहा है। सिर्फ 10 दिन के छोटे से ब्रेक नहीं भाई, बहुत डिफरेंस ला दिया, लाइक जल्दी थक रहा हूँ मैं। पिछले 20 मिनट से इधर ही फंसा हूँ, टेक्निकली 5:10 हमारा अराइवल हो जाना चाहिए था अंधेरी में। Look at that, that man dropped all his wife dropped all the vegetables and the man is telling his wife to bend down but he will not help her. कौन ये? Yeah. उसका बैक में प्रॉब्लम रहेगा शायद, अंडरस्टैंड यार, छोड़ ना, सबका अपना अपना प्रॉब्लम रहता है। तो अभी ये जाने की जगह है, ये आने की जगह है, लेकिन सब लोग यहाँ आके जाम कर दिए, सामने वाला आ नहीं पा रहा है, हम जा नहीं पा रहे और ये फंसे हुए हम लोग पिछले 20 मिनट से। बट चलो ये गाड़ी है करके जुम जुम जाम जाम थोड़ा तो निकाल पा रहा हूँ मैं, बट लिटरली इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग। कहाँ 5:11 को पहुँच रहे थे, तो कहाँ पास 1.5 आवर वो ट्रैफिक ने तो भाई दिमाग खराब कर दिया। बोले कैसे हैप्पी भाई, बहुत बढ़िया, कैसा ट्रिप? बहुत बढ़िया भाई, लंबा हो गया थोड़ा, लेकिन मैंने बोला हैप्पी भाई रुक जाओ थोड़ा और मैं आता हूँ, राइड कंटिन्यू करते हैं। मेरे को सच में लगा हैप्पी सरप्राइज देगा, बट हैप्पी ने शानिस को बेवकूफ बनाया, बोल के किसी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है और शानिस के लिए गिफ्ट लेके आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज द नेक्स्ट डे। तो गाइस फाइनली चीज़ें डिसाइड हो गई हैं एंड मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दे सकता हूँ और एक बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये है कि जो हम जून में जाने वाले थे, जून में नहीं जा रहे क्योंकि हम मई में जा रहे हैं, मतलब हम लोग अगले महीने जा रहे हैं। एंड इफ़ एवरीथिंग वेंट इन प्लेसेस देन हम लोग शायद विद इन 1 मंथ हम लोग निकल जाएंगे। लाइक कांट बिलीव कि अभी भाई फुल चार्ज, चलो निकलते निकल भाई, बोला चलो भाई। एंड पता है अच्छी बात क्या है, फ्लाइट की टिकट न्यूयॉर्क के लिए अभी बहुत सस्ती है टिल जून, मतलब जून मिड तक। तो मैंने हैप्पी को बोला, हम लोग लास्ट ईयर जो गए थे वो जून में ही गए थे, जून में टिकट थोड़ी एक्सपेंसिव थी स्पेशली वापस आने के लिए। अभी हम लोग अगर मई में जाते हैं तो हम लोग को बहुत सस्ती टिकट मिलेगी एंड वो पैसा हम लोग वहाँ पर लगा सकते हैं। एंड बैठ के हमने आधा अधूरा प्लानिंग किया, एटलीस्ट डेट जो है हमने काफ़ी कन्फर्म कर दी है। तो वापस आने की कोई डेट नहीं है, बिकॉज वापस आने की डेट रखते हैं ना तो हम लोग के अंदर वो एनजाइटी होती है, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है। सो येस फॉर ऑल यू पीपल हु वॉज वेटिंग फॉर मी टू गो बैक, फाइनली वो दिन आ गया है। और अगर कोई यूएस से देख रहा है
तो मैं मई में अपनी राइड शुरू करूंगा, तो कोई है इफ यू वांट टू से हाय हेलो जॉइन यू नो यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन उसके पहले काफी चीज खत्म करनी है, शायद मेरा एक छोटा सा ट्रैवल भी रहेगा कहीं कहीं के लिए, लेकिन सोशल नेशन है भाई, सोशल नेशन ऑन 2021। आई थिंक मैं 21 को जा रहा हूँ, परफॉर्मेंस भी है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, एक सीरियस प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा जो टांग में आपको पता है यहाँ दर्द होता था, पता नहीं क्यों दुबई से आने का ये दर्द बढ़ गया है, मुझे फिर से अपने फिजियो के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं परफॉर्मेंस नहीं करूँगा, परफॉर्मेंस करने का मेरा फुल इरादा है, ये तो क्या थोड़ा वार्म करते हैं तो ठीक हो जाता है, मतलब आई कैन डांस एंड ऑल दैट, बस कोल्ड बॉडी में कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी मैं डांसर्स कहाँ से हायर करूँ, कहाँ पर सीखूँ, टाइम नहीं, ऑलरेडी 14 हो गया, ये वीडियो 15 को रिलीज़ होगा, सो यू नो इट्स वेरी कट टू कट। सो मैंने अपने कुछ भाई बंधु को पूछा है जो परफॉर्म कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे एक्ट में मैं प्ले कर लूँ क्या, तुम्हारे एक्ट में थोड़ा बहुत कर लूँ क्या, तो उससे वजह से क्या होगा, लोगों को पसंद आएगा एंड मेरा परफॉर्मेंस भी हो जाएगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू से नो टू अ परफॉर्मेंस, आई डोंट वांट टू से नो टू एंटरटेन यू गाइज, आई नो आप में से बहुत सारे लोग आएंगे उधर, तो वो चीज़ मुझे मिस नहीं करनी है। एंड मीटअप मीट एंड ग्रीट तो होने वाला है, मैंने स्टोरी में डाला था मीट एंड ग्रीट के बारे में, गाइज एक घंटे के अंदर अंदर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आ गए, तो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव, आई कांट वेट टू मीट यू गाइज ऑन सोशल नेशन एंड लिटरली डू लॉट ऑफ धमाल ऑन दैट डे। लेकिन राइड शुरू होने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि शाइनेस के घर का काम जो है वो शुरू करवाना पड़ेगा, तो बस अभी फाइनल जो है आज कल से काम शुरू हो जाएगा एंड मेरे हिसाब से 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज मेरे जब मैं राइड शुरू करूँगा उसके पहले उसके पेरेंट्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो शाइनेस के लिए बहुत ईजी होगा रैदर देन उसका ट्रैवल करना। इधर घर अभी पूरा गंदा है, ऑफकोर्स सफाई नहीं की है, और स्काई को हमेशा की तरह बटन चालू बंद करने में मजा आ रहा है, बेटा ये तो नहीं होगा, इसलिए रो नहीं रही, उसको दरवाजा खोल के बाहर जाना है। सच सच बताना सूट हो रहा है कि नहीं मुझ पे, आई डोंट रिमेम्बर टोपी मैंने कब ली थी, क्यों ली थी, या फिर किसी ने आता ना कभी ब्रांड को कुछ फ्री सामान था उसका टोपी मिली थी, बट देन मुझे कभी पहनना अच्छा लगा नहीं, आज मैंने ऐसी टाइम पास के लिए पहन लिया था, आई लाइक वाह एकदम सूट हो रहा है। शानिस यू ऑल सेट फॉर गोवा, मतलब गोवा इतनी गर्मी में गोवा कौन जाएगा, ऑफकोर्स हम लोग फ्लाइट लेके न्यूयॉर्क ही जाएंगे और रोहन के घर पे ही रहेंगे, और फिर हैप्पी बाई की बाइक टोरंटो से कैसे आएगी वो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ से राइड कौन से रूट लेके करेंगे वो भी डिस्कस कर रहे हैं, और सारा सामान जो ऑफकोर्स हमको लगेगा, आई मीन ऐसा हो सकता है कि मैं US जाऊँ और मैं अली एक्सप्रेस से ऑर्डर ना करूँ, वो तो पहले ऑर्डर करके रोहन के घर तक पहुँच ही गया, तो BMW के लिए भी बहुत सारे एक्सेसरी ऑर्डर किए, उससे याद आया यू नो एक टाइम पे ड्रोन शॉट डालना वीडियो में या फिर ड्रोन यूज़ करना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अभी इतना ओवरडू हो गया है ना कि लोगों को इतना पसंद आता नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो ड्रोन यूज़ करना, ड्रोन लेना, ड्रोन शॉट डालना सब कुछ पसंद है हमेशा से, और मैं डालता रहूँगा जब जब मुझे मौका मिलेगा। आई नो आई एम नॉट दैट गुड कम्पेयर टू व्हाट यू गाइस सी ऑन इंटरनेट, बट देन आई डू माय बेस्ट। तो जैसा रूल हमारे इंडिया में है वो ऑलमोस्ट सेम रूल US और कनाडा में, कि अगर आपको इतना छोटा ड्रोन मतलब मिनी 3 मिनी 4 ड्रोन उड़ाना है तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप उड़ा सकते हो, हर जगह नहीं बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू कैन फ्लाई दिस ड्रोन, लेकिन अगर आपको Air 3 टाइप वाला बड़ा ड्रोन उड़ाना है देन इसको रजिस्टर करना पड़ता है। इसको मैंने रजिस्टर किया था लेकिन सारा इसका जो रजिस्ट्रेशन का नंबर था वो मैंने इधर रखा था, मुझे ना वो मिल नहीं रहा है, हालांकि प्रॉब्लम नहीं है वो बस नंबर ये नंबर प्रिंट आउट करके चिपकाना है, क्योंकि आई एम थिंकिंग शुड आई टेक दिस ड्रोन और शुड आई टेक द मिनी 4, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मिनी 4 ही लेके जाऊँगा, बिकॉज अभी भी जब मैं देवू भाई हैप्पी भाई नांदेड़ राइड पर गए थे तो मैं ये लेके गया था, लोग कितना छोटा है टैंक बैग से निकालो खोलो उड़ा दो, हाँ थोड़े जूम शॉट है वो नहीं आते, $3,000 का DJI Mavic 3 Pro जो कि आप लोगों को लगता है मैंने खरीदा है, मैंने खरीदा नहीं है, जिस तरह अभी मेरे पास BMW GS येलो वाली शोभित की खड़ी है क्योंकि शोभित यूज़ नहीं करता उसने दे दिया, उसी तरह मेरा एक बहुत ही अमीर फ्रेंड है जिसने जोश जोश में ड्रोन ले लिया ब्रांड न्यू जब मैंने S3 लिया था, और उसने उसको ओपन तक नहीं किया, अनओपन बॉक्स था, उसने निखिल भाई तुम लेके जाओ तुम यूज़ करो मुंबई में, जब मुझे ज़रूरत रहेगी तो मैं ले लूँगा, मैंने ठीक है वाई नॉट। नाउ ऑल्दो ये ड्रोन Air 3 के मुकाबले सुपीरियर ड्रोन है और बड़ा भी काफ़ी है, लेकिन Air 3 जो है वो DJI Mavic 3 Pro से तीन महीने बाद लॉन्च हुआ था, तो DJI ने बड़ा अच्छा गेम खेला, ड्रोन अच्छा ये बनाया लेकिन सॉफ्टवेयर इसके अंदर अच्छा दे दिए, एंड ऑफकोर्स इसका रिमोट RC2 है, इसका जो रिमोट है वो नॉर्मल RC है जो मिनी 3 के साथ था, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को बाउंसर जा रहा है, लेकिन जिन लोगों को स्टेक में इंटरेस्ट है तो उन लोगों को समझ में आ रहा होगा, बेसिकली जो बड़ा ड्रोन है उसका रिमोट जो ये Air 3 है उसके रिमोट के सामने अच्छा नहीं है, हालांकि
बड़े ड्रोन मतलब मैविक 3 प्रो के लिए हम बड़ा वाला रिमोट RC प्रो ड्रोन ले सकते हैं, रिमोट ले सकते हैं, जो कि मात्र 800 डॉलर का है। आई होप दैट मेक्स सेंस। अभी इसकी सैंडविच बना के आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये समझ में आ गया। ओ माय गॉड, दिस इज लुकिंग सो गुड। बहुत सारे ड्रोन के वीडियो के थंबनेल में ऐसा दिखाते हैं, विच ड्रोन इज सुपीरियर। सो विच ड्रोन इज सुपीरियर का आंसर मैं आपको बताता हूँ। सबसे परफेक्ट ड्रोन जो आपको अगर लेना है यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम रील के लिए, टाइम पास के लिए, वो है ऑफकोर्स मिनी सीरीज। मिनी सीरीज इज द बेस्ट। लेकिन अगर आप इतना सा भी सिनेमेटोग्राफी में हो, नेचर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर एस्थेटिक शॉट्स में हो, देन भाई साहब ये नहीं, ये Air 3 इज द ड्रोन जो कि आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन गो फॉर द Mavic 3 Pro, बट विद द RC Pro रिमोट, नॉट द नॉर्मल RC रिमोट। एनीवेज, सिर्फ छोटे थोड़ी मन की बात करता हूँ, थोड़ा मन अपना हल्का करता हूँ। आपको पता है जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, चाहे वो फ्लाइट से हो, मोटरसाइकिल से हो, या फिर इनिशियली जब मैं 2017-18 में जब मैंने फर्स्ट टाइम K2K करते टाइम फर्स्ट टाइम डेली व्लॉग डालना शुरू किया था, कभी भी हो, मैंने हमेशा कोशिश की है कि नेक्स्ट डे व्लॉग जाए। आप लोगों के लिए नहीं, मुझे वो हैबिट जो है ना वो पसंद है। इट्स लाइक एक्सरसाइजिंग माय स्किल्स, एंड मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ हूँ उसमें। लेकिन जब मैं नॉर्मल लाइफ जीता हूँ, वेयर आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल, आई एम जस्ट विद माय फैमिली डूइंग रैंडम ड्रोन थिंग एंड बाइंग नॉर्मल स्टफ, कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ कैमरे सामने नहीं ले रहा, तब ऐसा लगता है कि क्या डेली ब्लॉग करने की ज़रूरत है। लेकिन वो क्या है, वो आदत उस ट्रैवलिंग से जो बन गई है ना, बेसिकली अगर आप वर्कआउट करना शुरू करो या कुछ स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करना शुरू करो, वो आदत है ना, आदत बन जाती है, वो आपके ब्रेन के अंदर घुस जाती है, आपकी बॉडी के अंदर घुस जाती है, आप वो छोड़ नहीं सकते। इसलिए मैंने नॉर्मल लाइफ में भी जो है डेली ब्लॉग करना बहुत साल पहले शुरू कर दिया था। अब है ना, कभी कभी मन नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, मन इसलिए नहीं करता कि मुझे नहीं करना है, मन इसलिए नहीं करता कि लोग उसको अनफॉर्चुनेटली अप्रिशिएट नहीं करते, एंड आई थिंक दे पीपल हैव ऑल द राइट्स टू लाइक और डिसलाइक स्टफ एज द टाइम गोज ऑन, बट आई स्टिल डू इट बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स मी मनी, एंड ऑफकोर्स द रूटीन, द हैबिट आई रियली लाइक। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो मैं राइड पर जाऊँगा, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड एंड नो वन थिंग, दैट नाउडेज आई डोंट मेक मनी, द अमाउंट ऑफ मनी आई स्पेंड टू मेक कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब, थैंक गॉड कि मेरा दूसरे प्लेटफॉर्म में भी मेरा पैसा बनता है करके। ये जो मेरा पैशन है, जो मैंने वंस अपॉन अ टाइम शुरू किया था, मेरा पैशन के लिए शुरू किया था, राइट। अभी मैं देखो, इंडिया में राइड करना बहुत चीप है, लेकिन US में राइड करना एवरी डे मिनिमम एक बंदे को रूम के लिए $100 निकालने पड़ते हैं, फ्यूल के लिए आपको $50 होता है, एंड खाना पीना होता है, तो आपका मोटा मोटा मिनिमम $200 पर पर्सन खर्चा हो जाता है। तो कभी कभी कमा लेते हैं उतना, कभी कभी नहीं कमाते, लेकिन मोटा मोटा आपका कभी कभी नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, लेकिन ज़्यादा करके आपका लॉस ही होता है। लेकिन यूट्यूब वीडियो बनाना, जो मेरे मन के अंदर है, वो आप लोगों से शेयर करना, आप लोगों को इंस्पायर करना, या आप लोगों को मोटिवेट करना, या आप लोगों के कॉमेंट से सीखना, ये मैं मुझे कभी नहीं रोक सकता, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन राइडिंग वो मेरा सच्चा प्यार है, वो शैनिस को भी पता है। मुझे दुनिया घूमनी है मोटरसाइकिल पे, इंडिया तो घूम लिया, बट मुझे पता है इंडिया भी बहुत एक्सप्लोर करना बाकी, बट वो बाद में भी कर सकते हैं। अभी मुझे फिलहाल अगले 5 साल तक ना, मुझे धीरे 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 दुनिया घूमनी, ऑफकोर्स नॉट ऑन माई बाइक, आई कैनॉट डू द वर्ल्ड ऑन माई बाइक, क्योंकि उसके लिए बार बार कारनेट लगेगा, और या तो मैं वन शॉट में कर लूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरी बाइक लानी ही पड़ेगी। और जबकि यूरोप चले गए, वहाँ रेंट कर लिया, थाईलैंड चले गए, वहाँ पर रेंट कर लिया, लाइक फ्यूचर में राइड मेरी रेंट करके ही होगी, बिकॉज खुद की बाइक बेच के करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो, अनलेस मैं नॉन स्टॉप करूँ, जो कि अभी फैमिली हो, फैमिली आ गई है, फैमिली बढ़ेगी भी फ्यूचर में, तो नहीं हो सकता। और एक चीज़ के मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे पास हैप्पी और शोभित जैसे दोस्त नहीं, वो मेरे भाई हैं, कि वो हर चीज़ में मेरा साथ दे सकते हैं, ऐसा नहीं देना चाहते हैं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं देबू वेबू जिन्हें, जो कि मेरा साथ देना चाहते हैं, बट उनकी लाइफ में ऐसा मोड है ना कि वो साथ नहीं दे सकते। हैप्पी और शोभित फाइनेंशियली, मेंटली एंड ऑफकोर्स फैमिली वाइज वो स्टेबल हैं करके वो मेरा साथ दे सकते हैं, क्योंकि दे ऑल्सो शेयर द सेम पैशन। वो नहीं मिलता मेरे जैसे लोगों को, नहीं मिलता बहुत सारे लोगों को, नहीं मिलता। आप दोस्त बना लोगे जो कि सिर्फ आ जाएंगे सेल्फिश रीज़न के लिए, लेकिन जो पैशन शेयर करे, फाइनेंस शेयर करे, आपका काइंड ऑफ मेंटालिटी शेयर करे, तो वो मैं कितना, मुझे फैमिली भी अच्छी मिली, मुझे दोस्त के साइड में भी अच्छा मिला, और आप लोग भी अच्छे ही मिल गए। आई जस्ट रियलाइज यहाँ कुछ व्हाइट व्हाइट, एक्चुअली स्काई ने ना पाउडर मार दिया था, उसने पाउडर लिया और फड़ाक मेरे को चमाट मारा। देखो इधर, चलो अभी निकल गया थोड़ा। दिस शोज की वेट कितना लॉस हुआ है, फ्लक उंगली रिंग ऐसी घुस जाती है। इनफैक्ट US में तो इतना वाटर मेरा निकल गया था कि मेरी रिंग ऐसे ही गिर गई थी गाड़ी में। देखो कितना लूज हो गया। इनफैक्ट ये उंगली में मेरी रिंग नहीं जाती थी, अभी देखो ये उंगली में भी रिंग चली जाती है और काइंड ऑफ निकल भी जाती है। टी शर्ट देखो, ऐसा लग रहा है कि शॉल ओढ़ लिया मैंने।